निकला है आम पापड़। चुटिया आज तो दिखाओ, प्यारी लग रही हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका स्वागत है ऐशी की दुनिया में। होप आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। जो नए चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। तो करते हैं आज का सीन ऐसा है कि हम तो गए हुए थे घर, और यहाँ पे इस साइड कबूतर ने बनाने लगा अपना घर। दिखाते हमने ये कर रखा था बंद, क्योंकि शीट है और नए अंदर शीट सारी ख़राब कर देंगे, और इन्होंने बना लिया यहाँ पे घर। अब हमें इसको टास्क किया हमारा इनका, इसे सीढ़ी लिया है इसे ढकने का। चले स्टार्ट करें, पीछे करो सीढ़ी को, सीधा करो, सीढ़ी हो रही है ठीक है, खींचो नहीं करो। मैं पकड़ लेती हूँ ना ऐसे, तो क्या कर रहे हैं पापा, दोनों पकड़ो भाई, मुंह से तुम उधर से पकड़ लो, संभल के एसी बिना लग जाए। अंदर से डाल दीजिए, गाइस पहले भी यहाँ पे ऐसे ही आते रहते थे तो ना बहुत ही गंदगी मचाते थे पिजन्स वगैरह, इसलिए थोड़ा हमें डर लगता है उनसे। उनको सब अंदर से सामान तो निकाल लेते। हमने ऐसे फिक्स कर दिया है, लेट्स सी अब आते हैं कि नहीं पता चलेगा, लेट्स सी। चलो आ जाओ, गुड मंटी लालटेन। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई, देखिए सफाई मेरी, दो दिन की नहीं गई थी बस मैं घर, और ऐसी हालत हो रही थी घर की कि मैं सर पकड़ रही थी कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि हस्बैंड लोग कहाँ कुछ करते हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर ली सफाई। अभी भी मेरा किचन बाकी है लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। और देखें हयात हो गई है रेडी माशाल्लाह से, चले मैं इनको देखती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। दोपहर के बज गए हैं डेढ़, सब काम से हो गई हूँ मैं फारिग, और देखो इनका मन कर रहा था मैं, ये मुझे बहुत परेशान करने लग गई हैं, और इतनी जिद करके बनवाई कि ये तो बिल्कुल नहीं खाती, बहुत कमी से खाती हैं ये, और मैं मूसा के साथ होती हूँ तो मैं बना लेती हूँ। अभी एक मैगी है और ये इतनी सारी है, मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं है, जो आपको मैंने बताया था मुझे फाइस के हाथ की ज़्यादा पसंद है, अपने हाथ की नहीं। तो अब क्या करूँगी मैं, पता नहीं। आपको मैगी अच्छी लगती है, खाओ तो फिर, बनाइए वाइए तो खाओ, आप खाओ, आप खाओ, आपने अपने नहीं बनवाई है। ये मेरा है, ये आपका, कौन सा मेरा है, ये आपका, ये मेरा। चलो खाओ जल्दी से खाओ, चले इन्हें खिलाते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस तो देख रही थी अपनी शादी की वीडियो, और ये मेरे दादा हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए, और बस बड़ी खुशी होती है देख के अल्लाह हमारे दादा को। सो गाइस शाम के बज गए हैं 6:15, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं असर की नमाज़ पढ़ के हो गई हूँ फारिग। मेरी आँख लग गई थी, मैं सो गई थी थोड़ी देर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई थी आज, या आपको उन्होंने बताया था कि कितना काम था। तो अच्छा मन चाह रहा है कुछ रिफ्रेशिंग चीज़ लाइक कॉफ़ी और टी का, तो मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ टी। टी नहीं, कॉफ़ी बनाते हैं, चले मिल्क होने रख दिया है बॉईल। अच्छा जी अब हमें तैयारी करनी है कॉफ़ी बनाने की, तो लेती हूँ मैं ये वाला बर्तन छोटा वाला और बनाते हैं। इसमें मैंने कॉफ़ी का पैकेट निकाला और देखें कुछ तो होने ही था, देखें मैंने इसे अच्छे से काटा पीटा और ये निकला है आम पापड़। वो भी गिर गया भाई, इस कॉफ़ी में से ये निकला है, ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। मैं इसका क्या करूँ, आम पापड़ बका। ¿Qué
डालू, लेट्स सी बनती है कि नहीं कॉफी। चलें डालते हैं इसको। तो गाइस चलें डालते हैं, अपने और तो कोई चारा है नहीं। ओ हो रहा है, हो रहा है, उसमें कुछ हो रहा है, वो शायद पिघल के अंदर जाके तो नहीं ऐसे क्यों ना। लेट्स सी चलें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जुगाड़। हम डालते हैं इसमें शुगर, ये डाल दिया हमने शुगर। लेट्स सी गाइस ये सांभर पापड़ की कैसे बनती है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपकी कॉफ़ी भी कभी आम पापड़ बनी है। मेरी तो आपके सामने ये बन गई। अच्छा ये हल्की हल्की सी ना जी मेल्ट हो रही है, क्या पता बन जाए। लेट्स सी बनाते हैं। सो गाइस जो हमारा आम पापड़ सा हो रहा था कॉफ़ी का, वो ऐसे ना मेल्ट हो गया अंदर, ये देखें। तो इट मीन्स कि ये वर्किंग है, चल सकता है। ये देखें ये फुल्ली मेल्ट हो रहा है। चल कैपुचिनो बन गई हमारी तो। बना दी। गैस गैस करते हैं बंद। सबसे पहले करनी चाहिए हमें कुछ भी चीज़ के लिए गैस बंद, क्योंकि मेरे साथ बहुत से कांड हो चुके हैं, चेक कर रहे हैं। चलो लेते हैं कॉफ़ी। अब कॉफी के साथ लेने वाली हूँ ये वाला कोकोनट वाला बिस्किट। लेट्स ईट, खाते हैं, मुझे भूख लग रही है, हमने लंच वगैरह तो करा नहीं था। तो गाइस मुंह से आ चुके हैं और देखिए उन्होंने क्या करा, अपना आई कार्ड का सिर्फ डोर लटकाते हुए आ रहे हैं। और ये कहाँ है, अब कहाँ है ये, पता नहीं। चलिए चलो मैंने ढूंढने चलते हैं। अब मैंने कहीं सीढ़ी वीढ़ी गिरा दी, चलो देखते हैं। नहीं मिला है वो सब कार्ड, पता नहीं हम स्कूल वाले दोनों को देंगे कि नहीं देंगे। थका देता है ये लड़का। चलते हैं वापसी ऊपर। नहीं कहाँ पे, तो इसको दिया है, अब कंप्लेन करनी पड़ेगी स्कूल में। अल्हम्दुलिल्लाह से मगरिब की अज़ान हो चुकी है, नमाज भी हो गई फारिक। अच्छा मैंने खाना भी ऑनलाइन बना लिया, इधर दाल बना ली और चावल हमारे बन रहे हैं, बस मुझे तड़का लगाना है और खाना भी रेडी है। चलो बनाते हैं। तड़का भी मेरा माशाल्लाह से रेडी हो गया, दाल डन है, अब इसको इसमें डालते हैं जल्दी से। सबसे अच्छा पार्ट लगता है मुझे दाल चावल बनाने का, मतलब दाल का स्पेशली, कि उसमें तड़का जो लगता है ये मुझे फेवरेट काम है। आप लोग भी कमेंट करके बताना किस किस हाउस वाइफ का एक फेवरेट काम है। चलो लगाते हैं तड़का, इसकी आवाज़ देखिएगा, ये आई नहीं हो चुका है। और माशाल्लाह मैंने देखो बर्तन भी धुले, डिश वॉशिंग भी मैंने कर ली जल्दी से, हस्बैंड के आने से पहले मैं चाहता है सारा काम कर दूँ मैं, क्योंकि फिर वो आते हैं बेचारे, उनको देख नहीं पाती मैं, काम में लगी रहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वो अपसेट होते हैं इस बात से, तो इसलिए मैं जल्दी से सारे काम कर लेती हूँ। छब बची है मेरी रोटी, अब मैं सोची रोटी बनाऊँ, पराठा आटा तो है गुंदा हुआ इधर रखा हुआ, तो लेट्स सी क्या बनाते हैं। पराठे बना लेती हूँ, मैं सभी खा लेते हैं शौक से। चलिए बनाते हैं पराठे। गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम करके, खाना वाना सारा पका लिया, पराठे वगैरह भी हो गए, सब हो गए, और अब बैठी हूँ रेस्ट कर रही हूँ। और इस टाइम पे मुझे बस दो चीज़ों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, वो है पहली तो
मेरे हस्बैंड आ जाएं अपने घर साथ खैरियत से, लगभग जो भी जाते हैं घर से बाहर जेंट्स लोग, लड़के या लड़कियां जो भी काम से बाहर जाता है वो खैर और आफियत के साथ अपने घर पर सही सलामत आया करें, मेरी सबके लिए यही दुआ रहती है। और दूसरा इंतज़ार रहता है मुझे इशा की नमाज़ का, मैं चाहती हूँ मैं इशा की नमाज़ जल्द से जल्द पढ़ के फारिग हो जाऊँ, क्योंकि बच्चों के साथ जब काम में लग जाती हूँ बिज़ी हो जाती हूँ तो बहुत आलस आने लगता है। पढ़ती फिर भी हूँ लेकिन मुझे चाहिए मैं वक्त पे नमाज़ पढ़ूँ, टाइम से नमाज़ पढ़ूँ, बे टाइम नमाज़ पढ़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ कोई मजबूरी हो तो ठीक है, लेकिन मुझे नमाज़ वक्त पे पसंद है। और मुझसे के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो अब कल फिर उनका एग्ज़ाम है, फिर परसों मेरा है, तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। सो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे फिर। लग रही है मूसा को भूख, और मूसा क्या खा रहे हैं आज खाने में? दाल पराठा। और ये क्या है मूसा का? फेवरेट। चल खाओ जल्दी से। बना चुके हैं और देखो ये बच्चे को बिगाड़ते हैं। तो गाइस ये देखें ये स्विस रोल कैसा है, ओ माय। और देखो बाहर निकाली, ये देखो छोटा सा खा के बताओ। हैं अब हम खाना अल्हम्दुलिल्लाह से, आज हमारे खाने में है दाल चावल एंड पराठा, चलिए खाते हैं फिर। और आपका डे कैसा रहा? है हैक्टिक था। चलिए अब आराम करें आप, खाना खाएं। जैसे आप जानते हैं कल है एग्ज़ाम मूसा का जीके को, और मैं मूसा को पढ़ा रही हूँ। और देखें आज हयात अब सोई है, मतलब पूरा दिन सोई नहीं था, वो रात में सो गई हैं 10, मतलब वो 9:30 पे ही सो गई थी। सो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही, होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।